किसी लड़के ने ऐसे करके उठाया पूरा कैमरा, जिसकी वजह से मूड स्विंग खराब हो गया। ये देखिए यहाँ कूड़े के पहाड़। नाम क्या भाई आपका? गोविंदा। क्या? गोविंदा। गोविंदा, मेरी शक्ल थोड़ी काली काली लग रही होगी क्योंकि जो सन है मेरी बैक साइड में, और यहाँ से हमको जाना है वो चांदनी चौक। तो हम पहुँच गए, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे लाल किला। बहुत बढ़िया ब्लॉगर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार सीन कुछ ऐसा है आज का कि हमको जाना पड़ रहा है चांदनी चौक अर्जेंट। कल रात जो हमारा एक इवेंट था वहाँ पे मेरे कैमरे की डिस्प्ले चली गई, मतलब मान सकते हो कि गिर गया वो नीचे, खराब हो गई डिस्प्ले उसकी। और दूसरे का हुड शू मेरे कैमरे का जिसमें फ्लैश लगती है वो खराब हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैमरा है हमारा निकॉन का D610। इसका कल क्या हुआ कि लड़के के हाथ से कैमरा गिर गया था। और देखिए अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ फोटो डिस्प्ले, देखिए आप डिस्प्ले इसमें आ ही नहीं रही है, पूरी डिस्प्ले खराब हो चुकी है। इसके अभी डिस्प्ले चेंज होगा यार। आज ना बहुत ज़्यादा भारी खर्चा होने वाला है कैमरे को लेकर। और दूसरा कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो ये है मेरे कैनन का 1200D। इसका हुड शू होता है ये। इस हुड शू के ऊपर हम ना फ्लैश लगा के फोटो क्लिक करते हैं। तो यार किसी लड़के ने ऐसे करके उठाया पूरा कैमरा, जिसकी वजह से हुड शू ही खराब हो गया था। तो इसको भी रिपेयर करवाते हैं और चलते हैं चांदनी चौक मार्केट। चलिए चांदनी चौक जाने के लिए जो मैंने रूट लिया था वो था आउटर रिंग रोड का, जहाँ मुझे मधुबन चौक में पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। और मधुबन चौक क्रॉस करने के बाद तो रोड इतने मक्खन थे ना, आप देख ही सकते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जीटी करनाल रोड का बाईपास आया। आप ये देखिए यहाँ कूड़े के पहाड़, दिल्ली वाले कूड़े के पहाड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ी आगे जाने के बाद हमें दिखी भलसवा झील, और जो आप सामने देख रहे हैं ये बड़ा सा, ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। तो अभी आपने देखा हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और अभी स्टिल हम पहुँचे नहीं है चांदनी चौक मार्केट में। बस यहाँ थोड़ा प्यास लग रही तो पानी लेने के लिए रुके हैं, अब पानी पीते हैं तब आगे चलते हैं। अभी पानी की बोतल भी भाई से। नाम क्या भाई आपका? गोविंदा। क्या? गोविंदा। गोविंदा, मूंगफली में छिलके और लौंडियों में नखरे ना होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। और जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह का नाम है मजरू का टीला। क्या भाई, जब मजरू का टीला है ना यही का नाम? हाँ। मजरू का टीला। अच्छा भाई चले आ गया हो, चलो। अच्छा भाई ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना? और क्या आपने किया चैनल सब्सक्राइब? तो मेरी शक्ल थोड़ी काली काली लग रही होगी क्योंकि जो सन है मेरी बैक साइड में, और हम इस टाइम है लाल किला के जस्ट पीछे। चांदनी चौक का रास्ता आप कई बार आए होंगे, आगे से भी आया होगा, बट ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ कि यूनिक क्यों है। और यहाँ से हमको जाना है अंदर, और यार एकदम बढ़िया रास्ता है ना, बिल्डिंग देख रहे आप जबरदस्त एकदम। ये दर्द यार, चैशाम पर हम बिल्कुल बैक साइड आ गए लाल किले के। अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ करते हैं हम पार्किंग में बाइक खड़ी और चलते हैं चांदनी चौक के लिए आगे। ऐसे जाम रहा था भाई, और यहाँ लाल किला की पार्किंग, और हम आए हैं उस साइड से, वो पीछे आपको दिख रहा होगा उस साइड से आए हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए, पार्किंग हमने कर दिया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज पार्किंग में। तो पीछे आप देख रहे हो वो लाल किला है, पार्किंग में कितनी भीड़ थी आज, बहुत भीड़ थी भाई। चलो अब चलते हैं, कैमरा मार के दिखाएंगे सब कुछ इसी में ऐड हो जाएगा। हाँ आप भी आ रहे हो इसी में। तो यहाँ पे आप डेकोरेशन पीछे देख रहे होगे, यहाँ पे अभी मेला लगा था सावन का, और इस साइड देखिए ट्रैफिक जाम। तो इस बारे हम कार लेके नहीं आते, यहाँ पे कार तो है भी नहीं हमारे पास वैसे। तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो चांदनी चौक तो हम पहुँच गए, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे लाल किला है। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है यहाँ पे, शाम के 5 बज रहे हैं, आग भी नहीं खुल पा रही। ये देखिए पीछे जो मेरे पूरा है ये चांदनी चौक मार्केट है, और चलते हैं जहाँ पे हमको जाना है मेन, क्योंकि अगर हम लेट हुए तो शायद वो दुकान बंद हो जाए और कल दोबारा आना पड़े यहाँ पे। तो मतलब बहुत पहले से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो लोगों के चलने के लिए जो ट्रैफिक था ना अब बिल्कुल ही सही हो गया, मतलब आदमी आराम से चल सकता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आ नहीं रही है। तो ये है स्टेट बैंक, और उसके सामने है ये कैमरा मार्केट चांदनी चौक। तो जहाँ कैमरा हमारा रिपेयर हो रहा है वो है डिजिटल टेक। यहाँ पे आए थे तो सुमित अंदर ही है, अभी मैं बाहर आया था, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चांदनी चौक से आओगे वहाँ से लाल किले से, तो यहाँ सीढ़ी को खुले डिजिटल टेक है। तो यहाँ पे हमारा कैमरा रिपेयर हो रहा है अभी, तो भैया तो बोल रहे हैं कल मिलेगा शायद कैमरा, पर एक कैमरा तो शायद आज ही मिल जाएगा हमें, दूसरा कैमरा को मे बी हमें कल दोबारा आना। भैया कल कितने बजे तक हो जाएगा ठीक कैमरा है भैया? मैं कैमरा छीन लूँगा आपका। ओके।
आप छीन सकते हो आप रिपेयर कर देना उसको। हमारा दूसरा कैमरा भैया ठीक कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ कुछ ज्यादा भी इनका सारे भाई फरमा रहे थे बात करने में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे एंटर हुई हमारी मार्केट के अंदर, तो यह चांदनी चौक कैमरा मार्केट, और यहाँ पे हमारे मुकेश भाई। बढ़िया भाई। मुकेश भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। तो हमें चांदनी चौक मार्केट में, और यहाँ पे मुकेश भाई की दुकान पुरानी वाली, चलो नई वाली दुकान पे चलते हैं। सामने आप आओगे तो मुकेश भाई ये करे। और मुकेश भाई कहते हो? तो भाई मुकेश भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, एक शॉप मुकेश भाई की वहाँ पे है जो वहाँ पे आपको दिखाई थी मैंने, और ये दूसरी शॉप ये भैया ने नई खोली है। नई शॉप खोली है। स्टेटस पे मेरा आ गया था तो भैया के पास वीडियो बनाने आया। तो भैया क्या क्या आपके पास दिखाओ? भैया मेरे पास ऑल मॉडल है, सारे कैमरे हैं, ठीक है। कैन निकोन का 7500 भी है, कैनन के छोटे मॉडल भी है। तो मुकेश भाई मुझे मत बताओ यार, वहाँ बताओ बताओ क्या क्या। तो आप देख रहे हो भाई का कितना सारा स्टॉक पड़ा है अभी कैमरों का। अच्छा भाई बताएंगे कौन कौन से कैमरे हैं? मेरे पास ऑल मॉडल कैमरा है, ये देखिएगा, निकोन का D5600 है, 35000 रुपये में है, 95% कंडीशन में है। कितना का है ये? 35000 रुपये में है, 95% कंडीशन का। ये निकोन का D3200 है, ठीक है, लॉक वाला लेंस है, और इसके अंदर माइक भी लगते हैं, ठीक है। ये माइक का ऑप्शन है, वीडियो बना सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। ये आपको मिल जाएगा 22000 रुपये का। ये निकोन का कैमरा है, D7500 प्रोफेशनल कैमरा, 18-140 लेंस के साथ। ये आपको आज की रेट में 60000 रुपये में दे दूंगा। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू इसकी इस टाइम 85000 रुपये की है, 95% कंडीशन में। हाँ भाई, साथ क्या क्या होंगे इसके? बैटरी, चार्जर, बैग, सब सारा एसेसरीज सब साथ। गारंटी भी रहेगी? गारंटी 2 साल सर्विस फ्री होगी। मैं खुद रिपेयर करता हूँ, जब मर्जी कोई प्रॉब्लम हो तो आगे मुझसे ठीक करा सकते हो। ये कैनन का 1500D है, ये 21000 का है, ठीक है। वीडियो सब बनेगा इसके अंदर भी। भाई कंडीशन तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कंडीशन 95+ कंडीशन का है, डब्बे से निकला हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा 18-140 लेंस के साथ है, प्रोफेशनल कैमरा है, ठीक है। आपको मैं दे दूँगा 45000 में। D7500 वाकई में बहुत अच्छा कैमरा है, कैनन को कोई टक्कर ले लेगा ना, कैमरा आराम से ले लेगा, D80 के बराबर ही मान के चलो आप, उससे भी अच्छा कैमरा है। कितना बता रहा था? 45000 का। 45000 और नया इस टाइम पर अगर आप लेने जाओगे, नया तो आता ही नहीं है, नया बंद हो गया। नया बंद हो गया, जब ये नया तब ये 90-85 और ये भैया 45 में दे रहे हैं। 45 में 90% कंडीशन में, 90% कंडीशन में 2 साल की गारंटी मिल रही है आपको, जिससे 2 साल सर्विस सब भैया आपको करके देंगे, बैटरी, चार्जर, बैग सब आपको मिलेगा। बाकी आप भैया बता सकते हैं इसके बारे में, और डिस्काउंट आओगे ना मेरे नाम लोगे और जरूर भैया थोड़ा डिस्काउंट और कर देंगे। डिस्काउंट करूँगा भाई के नाम, भाई के नाम से पक्का करेंगे। और अब मैं इसको लाइव करता हूँ, तो ये देखिएगा इसकी क्लियरिटी देखिएगा, यार क्लियरिटी तो है इसमें ठीक गजब की क्लियरिटी है। फोटो फोकस इसका डायरेक्ट ऑटो फोकस है, वीडियो के अंदर अपने आप से फोकस करेगा ये, ठीक। और लाइव आप फोटो भी खींच सकते हैं इससे। हमें अभी MK स्टोर में, जो सामने आपको पहले दुकान देखी थी वो भैया की पहली दुकान है, और ये दूसरी दुकान है, ये उनके छोटे भाई हैं। कभी आना, विजिट करना, मैं आपको नंबर दे दूंगा नीचे, शॉप का जो नंबर है मोबाइल नंबर। तो आप जैसे ही मार्केट के अंदर आओगे, आते आते आपको भैया की वो दुकान दिखेगी MK वाली, उनको पीछे आपको दिख रही होगी भैया बैठे हुए हैं, तो वो दुकान है, उसके अंदर आके ये दुकान है। तो वैसे दोनों एक ही है, जब आओ तो दोनों में विजिट जरूर करना आप। ऐसा कुछ है चांदनी चौक मार्केट के बीच का व्यू, यहाँ पे कुछ बैगों की दुकान है, वहाँ पे फ्रेमों की दुकान है, यहाँ पे स्टैंड सब मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया ब्लॉगर हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ उनको, बहुत बढ़िया भैया के चैनल। हसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी, उहदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बिल्कुल सही। चलो थैंक यू भाई। तो भाई मिले थे, मजाक कर रहे थे, चलो अब चलते हैं। अपना कैमरा लेने के लिए रिपेयर हो गया होगा, ये कैमरा रिसीव हमारा, ये ठीक हो चुका है बिल्कुल। चलो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी पैक सारे खत्म हो चुके हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय, मिलते किसी और व्लॉग में।